हेलो एवरीवन स्वागत आप सभी का रिलेवेंट एंड ऑथेंटिक प्लेटफॉर्म स्टडी ग्राम एजुकेशन पे तो देखिए आज मैं सभी कैंडिडेट के साथ एक इंपॉर्टेंट चीज़ डिस्कस करने वाला हूँ इस वीडियो सेशन में आपके लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाली है आपका करियर डिसाइडिंग ये चीज़ रहने वाली है ठीक है ना देखो बहुत सारे कैंडिडेट ऐसे हैं जिन्होंने एग्ज़ाम दिया था ग्रुप्स का और वेट कर रहे हैं वो रिजल्ट की उसके अलावा बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट हैं जिन्होंने एग्ज़ाम नहीं दिया था वो वेट कर रहे हैं

बिल्कुल ग्राउंड लेवल पे जाके चीज़ों को एग्जीक्यूट कर रहे हैं ठीक है ना तो वाक्य में ये एक बहुत ही क्रेडिट देने वाली चीज़ होती है क्योंकि आप सोशल मीडिया पे तो आप कुछ भी कह सकते हैं ठीक है, है ना आपने मास्क प्रोटेक्ट करके भैया अपना आईडी का नेम चेंज करके कुछ भी कह सकते हैं आप अगले को गाली भी दे सकते हैं ये सारी चीज़ें आप कर सकते हो वो बहुत आसान होता है लेकिन ग्राउंड में उतर के चीज़ें करना ठीक है ना फेस टू फेस चीज़ें डील करना वो वाक्य में डिफ़िकल्ट चीज़ है तो ये जितने भी कैंडिडेट वो कर रहे हैं तो उनके लिए एक चीज़ है कि वो वाक्य में काबिल तारीफ है तो जो ये दो टाइप ऑफ कैंडिडेट है ना उनके लिए मैं एक चीज बता देता हूँ ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है आपने एक चीज देखी होगी कि दो लाख दो लाख भर्तियां ठीक है।, है ना भर्तियां इनके बारे में आप आपने पता है अलग अलग पार्टी इनको बोल रही है कि दो लाख भर्तियां हम भरेंगे हम भरेंगे लेकिन एक चीज आपको जो जितने भी पढ़ने वाले कैंडिडेट है उनको मैं बता देता हूं उनको यहां से क्या दिख, दिखाई देना चाहिए उनको यहां से एक अपॉर्चुनिटी दिखाई देनी चाहिए कि यहाँ पे दो लाख वैकेंसी खाली हैं ठीक है ना पद हैं ठीक है ना गवर्नमेंट्स के अलग अलग विभाग के अंदर दो लाख पद हैं तो जितने भी कैंडिडेट हैं जिन्होंने पिछला सीट ही ना दे पाए थे किसी भी कारणवंश या फिर इस बार भी उन्हें छप्पन स्थावन में बैठे थे जो ठीक है ना सभी कैंडिडेट्स के लिए ये वीडियो सेशन है क्योंकि आपके लिए एक सुनहरा मौका है अगर आपको छप्पन स्थावन की वो पोस्ट नहीं मिली जिसके लिए आप चाहते थे फाइट करना तो भी आपके पास एक ऑपरचुनिटी है ठीक है ना इसके अलावा जिन्होंने जितने कैंडिडेट अभी प्लस टू में पास आउट हुए हैं जिन्होंने अभी अभी प्रिपरेशन करना स्टार्ट किया है है ठीक ना तो उन सबके लिए ये एक ऑपॉर्चुनिटी है कि यह पद उनके लिए एक गोल्डन सुनहरा मौके से ज्यादा कुछ नहीं है ठीक है ना तो आप इस इस डिस्ट्रैक्शन में ना रहें कि आप अभी पार्टी पार्टी ये चीज डिस्कशन कर रहे हैं लोगों के साथ फाइट कर रहे हैं ठीक है सोशल मीडिया पे कुछ टाइम स्पेंड करो दैट्स ऑल लेकिन मेजोरिटी ऑफ का टाइम आपका स्टडी करने में ही जाना चाहिए ठीक है ना अपने नोट्स प्रिपेयर करो अपना जो भी आपका सिलेबस है उसको कवर करो और प्रैक्टिस करो यही चीज पे आपका मैक्सिमम टाइम जाना चाहिए ठीक है ना अगर आप इन चीजों में पड़े हुए हैं ना मतलब उन चीजों की बात कर रहा हूं जहां पे आपका स्टडी से ज्यादा टाइम लग रहा है ठीक है ना आप ग्राउंड लेवल पे वर्क कर रहे हैं अच्छी बात है लेकिन तब भी आप थोड़ा सा टाइम निकालो अपनी स्टडी के लिए या फिर वो कैंडिडेट जो अभी प्लस टू पास आउट है या फिर अभी इस कंपटीशन के फील्ड में उतरे हैं तो सभी कैंडिडेट के लिए ये दो लाख भर्ती क्या है एक मौका है यानी उनको ये दिखना चाहिए कि हाँ गवर्नमेंट के जो सेक्टर है उसके अंदर ये पद खाली पड़े हैं और ये एक मौका अभी से अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट करने का ठीक है ना बहुत सारे कैंडिडेट ऐसे हैं इसको भी नेगलेक्ट कर देंगे अगर आप इसको भी नेगलेक्ट कर देंगे ना तो सेम चीज आपके साथ होने वाली है छप्पन का एग्जाम हुआ था छप्पन का एग्जाम

टारगेट बना लें कि आपको एक एक, -एक जॉब चाहिए हरियाणा के अंदर और उसी जॉब के लिए प्रिपरेशन करना स्टार्ट कर दें ठीक है ना मोर और लेस अब कैंडिडेट्स के अंदर ये डाउट हो, हो सकता है कि भाई इतने बार एग्जाम दे चुके हैं अब क्या करें देखो एग्जाम दे चुके हैं हर कोई दे चुका है एग्जाम तो कोई भी ऐसा सॉल्यूशन नहीं है कि आप ये बात कह के इसको बाईपास कर दो सबने दिए एग्जाम सबके साथ सेम स्थिति है अब आपके पास दो ऑप्शन है या तो आप इस चीज का जिक्र करते रहो हमेशा के लिए कि यार इतने एग्जाम दे लिए क्या फायदा है भर्तियां तो कंप्लीट नहीं होती या फिर उसका दूसरा अल्टरनेटिव यह है कि आप अपनी प्रिपरेशन में लगे रहो आपने एग्जाम दे लिया ठीक है अच्छी बात है अपनी कमियां देखो और आगे बढ़ो ठीक है ना ये दो ऑप्शन आपके पास है अब आप पे डिपेंड करता है कि इनमें से आप क्या चूज करते हैं ठीक है ना एक पॉजिटिव वे है एक नेगेटिव वे है तो ये निर्भर करता आपके ऊपर टोटली तो ये चीज़ है कैंडिडेट्स के लिए क्योंकि एट प्रेजेंट है एक थोड़ा सा ऐसा माहौल है कि कैंडिडेट्स डिस्ट्रैक्ट डिस्ट्रैक्ट हो हो सकते हैं तो ये उन सभी कैंडिडेट के लिए है ताकि वो ना और अपने जो डायरेक्शन में फॉलो करते जाएं ठीक है ना अभी भी बहुत कुछ बाकी है बहुत सिलेबस आपका बाकी होगा आपने कवर नहीं किया होगा तो उन चीजों में अपना टाइम स्पेंड करें और सोशल मीडिया पे कम स्पेंड करें ठीक है ना मैंने ये नहीं कह रहा बिल्कुल अवॉइड कर दे बिल्कुल है आप अपना पॉइंट रखना चाहते हैं तो बिल्कुल रखें लेकिन उससे ज्यादा आप स्पेंड करें अपना स्टडी के ऊपर ऐसा ना हो कि आपकी स्टडी कॉम्प्रोमाइज हो रही हो तो इस चीज को आप सीरियसली इस मैटर को ठीक है ना इसके अलावा मैं एक चीज और बता देता हूँ जितने भी वेट कर रहे हैं ना ज्वाइनिंग का तो ज्वाइनिंग में देखो अब तक जो भर्ती है उस पर कोई इश्यू नहीं है सारे केसेस हैं वो डिसमिस हो चुके हैं या फिर उनकी डेट लॉन्ग है जनवरी में गई है जो पॉलिसी चैलेंज की डेट तो ये मान के चलो कि रास्ता बिल्कुल साफ़ है अगर आपकी ज्वाइनिंग होती है ना तो ये मान के चलो कि आपकी भर्ती टोटली सेफ है कोई भी इशू नहीं आने वाला है ठीक है ना तो जितने भी कैंडिडेट हैं जिनको डाउट है कि भाई ग्रुप डी से ये ज्वाइन करें या ना करें तो सारे डाउट आप साइड कर दो बिल्कुल टोटली सेफ है चीजें ठीक है ना तो ये एक मेजर चीज थी कि आप अपनी प्रिपरेशन करते रहें डिस्ट्रैक्शन में जाने की ज़रूरत नहीं है आपको अपनी प्रिपरेशन करें और जितने भी कैंडिडेट हैं जो नए कैंडिडेट हैं जो हरियाणा की प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो वो स्टडी ग्राम प्लेटफॉर्म के साथ जुड़ें बहुत ही बेहतरीन यहाँ पे आपको जो कंटेंट और स्टडी मटेरियल देखने को मिलेगा बहुत ही स्टीक गाइडेंस आपको देखने को मिलेगी बिल्कुल भी यहां पे ना तो न्यूजपेपर की रीडिंग होती है कुछ भी ऐसी चीज नहीं है जो आपको मिसगाइड करे टोटली रिलेवेंट चीज आपको मिलेगी और रिलेवेंसी के लिए आप पुरानी वीडियोज को चेक कर सकते हैं और किसी भी एग्जाम में सिलेक्शन के लिए सिर्फ रिलेवेंसी ही एक की होती है और कुछ नहीं ठीक है ना तो चलिए यह सब था और जितने भी कैंडिडेट है इस नेगेटिविटी से दूर रहकर अपनी प्रिपरेशन पे ध्यान दें जो भी आपका एग्जाम है एच का टारगेट कर रहे हैं असिस्टेंट प्रोफेसर पीजीटी टीजीटी कोई भी एग्जाम अगर आप टारगेट कर रहे हैं तो अपना एक प्लान बना के उसके हिसाब से कंटिन्यू करें ठीक है ना इन चीजों को लेकर आपको अपना दृष्टिकोण बदलना होगा मैं हमेशा ये चीज कहता आऊँ कि दृष्टिकोण बदलना ही पड़ेगा अगर आप दृष्टिकोण नहीं बदलोगे तो आप सिलेक्शन से पिछड़ जाओगे आने वाले क्लासेज में डिस्कस करूंगा कि दृष्टिकोण से क्या मायने हैं और उसका क्या मतलब है ठीक है ना इसके अलावा अगर आपका कोई डाउट है तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करें हमारी टीम उसको डेफिनेटली रिप्लाई करेगी तो दिस इज ऑल इन दिस सेशन थैंक्स फॉर वॉचिंग थैंक यू